E हाय दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है वो काफी फेमस है उसे कोई इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है जो कि है होंडा सिटी और कितने सालों से हमारी इंडियन मार्केट में राज कर रही है तो देखते हैं कि आजकल इसमें क्या फीचर्स और क्या स्पेसिफिकेशन ऑफर किए जाते हैं तो यहाँ करेंगे सीधी बात नो बकवास स्टार्ट करते हैं इसकी की से तो इस तरह की कुछ हमें की मिल जाती है लोक अन्क के बटन हैं बूट रिलीज का ऑप्शन है और इंजन स्टार्ट करने का भी बटन यहाँ सीवीटी वेरियंट में मिल जाता है बैक साइड पर होंडा का लोगो है काफी स्मार्ट सी अच्छी सी की मिल जाएगी आपको इसमें ये जो हमारे सामने खड़ा है ये है जेड एक्स ऑटोमेटिक वेरियंट सीवीटी जो की टॉप मॉडल है तो इस तरह का यहाँ पे होंडा का लोगो मिल जाएगा आपको उसी के नीचे एक नई ग्रिल भी मिल जाएगी और यहाँ मिल जाएगी आपको क्राउन जूल एलईडी हेडलैम्प और यहाँ पे आपको डी भी मिलते हैं जो इंडिकेटर्स का भी काम करेंगे उसी के ऊपर आपको मिलेगी क्रोम की एक बड़ी सी स्ट्रिप जो कि दूसरे हेडलैम्प के साथ कनेक्ट होगी और उसी के नीचे देखा जाए तो फोकल मिल जाएंगे और एक ही नया डिजाइन मिलेगा आपको ग्रिल का जो कि काफी अच्छा लग रहा है काफी स्पोर्टी लुक दे रहा है इस गाड़ी को और यहाँ पे आपको टोक का भी ऑप्शन मिल जाएगा तो इस तरह का कुछ आपको फ्रंट लुक देखने को मिलता है और इस फेस में जो गाड़ी है वो काफी स्पोर्टी कर दी गई है और देखने में काफी अच्छी लग रही है और साइड में चले तो यहाँ आपको मिलेंगे बॉडी कलर्ड ओ जो कि एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ आते हैं और ये ओ में आपको ऑटो फोल्डिंग का फंक्शन भी मिल जाएगा देखिए लॉक किया जाएगा तो इसको फोल्ड हो जाएंगे और अनलॉक किया जाएगा तो ओपन हो जाएंगे अब चलते हैं इसके टायर्स की तरफ और इस तरह का कुछ आपको डायमंड कट एलो व्हील्स मिल जाएंगे और टायर साइज की बात की जाए तो वन एटी फाइव स्लेश इसका टायर साइज है यानी कि 16 इंच के आपको एलोई व्हील्स इसमें देखने को मिलते हैं इस तरह का कुछ आपका साइड प्रोफाइल है और इसके डायमेंशन की बात की जाए तो फोर फाइव एट की लेंथ है वन सेवन फोर की विथ है और वन फोर एट की इसकी हाइट है व्हील बेस इसमें मिलेगा ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस इसके अंदर प्रोवाइड कर देगा और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो वन सिक्सटी फाइव की ग्राउंड क्लियरेंस है इस तरह का कुछ आपको साइड एंगल से व्यू मिलता है काफ़ी स्पोर्टी लगती है और ये स्पॉलर थोड़ा सा डाल दिया गया है यहाँ पर जो और भी स्पोर्टी बना देता है इस गाड़ी को तो अब बात करते हैं इसके बैक प्रोफाइल की इस तरह का कुछ आपको लुक देखने को मिल जाएगा इसके टेल लैम्प जो है वो काफ़ी सुंदर लगते हैं बी के जैसे लगते हैं वैसे तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से यहाँ पे आपको मिल जाएगा शार्क फिन एंटीना और यहाँ पे आपको स्टोप लैंप मिल जाएगा उसी के नीचे मिलेगा आपको होंडा का लोगो और साथ में आपको कैमरा भी मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में अगर आए तो यहाँ सिटी की बैजिंग है और ये बहुत ही सुंदर स्मोक ट्रीटमेंट में दी गई टेल लैंप्स हैं और यहाँ आपको मिल जाता है स्पॉयर और राइट साइड में आपको आई वी टेक की बैजिंग मिल जाएगी सेम टेल लैम्प्स मिल जाएगी और जो कि आपको बल्ब के साथ इंडिकेटर्स मिलते हैं चार पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ कंप्लीट हो जाता है हमारा बैक लुक नीचे जो है कार्बन फाइबर में आपको स्कीट प्लेट्स भी मिल जाती हैं अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की और ज़रा इसको ओपन करके देखते हैं की से ही इसमें हम ओपन कर सकते हैं इसमें बूट रिलीज का ऑप्शन है की में ही और फ़ाइव जीरो सिक्स लीटर का इसमें बूट स्पेस हमें देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया काफी है स्पेस को काफ़ी सारा सामान अब इसमें लोड कर सकते हैं और यहाँ पर इंसुलेशन भी दी गई है आपको अब इसे करते हैं बंद और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो 40 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको मिल जाएगा तो अब चलते हैं इसकी बैक सीट पर और देखते हैं क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ मिलते हैं तो डोर को ओपन करेंगे इस तरह का कुछ हमें डोर का डिज़ाइन मिल जाएगा डुअल टोन का फिनिश यहाँ पे देखने को मिलेगा और इस तरह का सिल्वर डोर हैंडल्स हैं यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं और लेदर की स्टिचिंग ही की गई है और सॉफ्ट टच लेदर का यहाँ यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी प्रीमियम बनाता है इस एरिया को और इस तरह के कुछ हमें बैक सीट्स मिल जाएंगी जो एक कलर है बेच कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और लेदर की क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर आपको आर्मरेस मिल जाएगा विद डुअल कप होल्डर्स यहाँ पर आपके ए वेंट्स हैं उसी के नीचे चार्जिंग ऑप्शन हैं ट्वेल रोड के दो पोर्ट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर और अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है अगर कहें तो बेस्ट इन क्लास भी बोल सकते हैं इसे हम इस तरह का कुछ आपको डैशबोर्ड का डिज़ाइन मिलता है क्लासिक होंडा डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सब कुछ सिंपल येट एलिगेंट है और काफ़ी सुंदर लगता है मुझे तो और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ग्रैब हैंडल्स आगे और पीछे दोनों की तरफ और अब इसे बंद करते हैं और चलते हैं आगे की साइड और देखते हैं वहाँ क्या ऑप्शन हमें मिलेंगे और इस तरह के यहाँ डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे जो इस तरह से अनलॉक होते हैं सेम डुअल टोन फिनिश यहाँ भी मिल जाएगी आपको सिल्वर डोर हैंडल उसके साथ आपको मिल जाएंगे पावर इंडो के कंट्रोल्स और वेम कंट्रोल्स यहाँ पर ट्विटर मिल जाएगा और यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शंस हैं यहाँ पे ट्रैक्शन के और हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको उसी के नीचे फ्यूल फ्यूलिट ओपनर है ओनर ओपनर है यहाँ पे पेडल्स हैं इंजन स्टार्ट सॉप का बटन है ए वेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और अब बैठते हैं अंदर और देखते हैं किस तरह का लुक मिलेगा तो कुछ इस तरह का ओवरऑल डैशबोर्ड का फील आता है और ज़रा आप इंजन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस तरह का हमें मिल जाएगा तो ये गाड़ी ओ री एस चार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये है आपका पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग में दिया गया है और बाकी एक सेवन इंच की स्क्रीन दी गई है आपको जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं टैकोमीटर भी वहीं मिलेगा और डिजिटल स्पीड भी मिलती है और जो फ्यूल है वो भी डिजिटल तरीके से यहाँ दिखाया जाता है और देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ टैकोमीटर रेंज एंड फ्यूल जी मीटर स्पीड एंड टाइम तो बहुत ही अच्छा है जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी का है और इस तरह का स्टेयरिंग व्हील हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ बीच में होंडा का लोको है साथ में आपकी एयर बैग की बैजिंग है यहाँ पे मिल जाएंगे आपके वॉल्यूम कंट्रोल्स मीडिया कंट्रोल्स और यहाँ पे मिल जाएगा आपका क्रूज कंट्रोल एडेस के कंट्रोल्स और यहाँ पे आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है हेडलाइट कंट्रोल्स हैं यहाँ पर आपके पैडल शिफ्टर्स हैं और लेफ्ट साइड पर आपके वाइपर कंट्रोल्स हैं और दूसरे वाला पैडल शिफ्टर है और काफ़ी अच्छे ऑप्शन इस गाड़ी में मिल जाते हैं आपको और यहाँ पे आपको मिलता है एट इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो कि पहले से चेंज कर दिया गया अपडेटेड है काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें ऐड हो चुके हैं और काफ़ी जो है टच रिस्पॉन्स इसका इम्प्रूव हो चुका है और उसी के नीचे अगर हम देखें तो क्लाइमेट कंट्रोल ए मिल जाएगा ऑटोमेटिक और यहाँ पर रोटरी स्विचज़ हमें आ जाते हैं और इसकी रोटरी स्विचज़ की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है बहुत ही कम गाड़ियों में इतनी अच्छी क्वालिटी के स्विचेस देखने को मिलते हैं और उसी के नीचे देखें तो कुछ स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यू चार्जिंग ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं उसी के नीचे आपका जो है गेयर नोब है ऑटोमेटिक और स्टोरेज स्पेस भी हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ मिलता है आपका स्टोरेज के साथ आमरेज और आम्रेस्ट जो है वो स्लाइड नहीं होता और इस तरह का कुछ आपको डैशबोर्ड का डिजाइन है यहाँ वुडन फिनिश मिल जाएगी उसी के नीचे लेदर मिल जाएगा आपको सॉफ्ट टच में तो काफी प्रीमियम लग रहा है जो कि और टच एंड फील भी इसका काफ़ी अच्छा है उसी के नीचे हमें मिल जाता है एक डी सेंट स्टोरेज के साथ ग्लव बॉक्स और यहाँ पे आपको मिलता है एसी वेंट और यहाँ पे आपको मिलता है डोर हैंडल्स और पावर विंडो के कंट्रोल्स तो इस तरह का है इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन जो मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद आया काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और आप भी देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर मिलेंगे हमें ऑटो डिमिंग आईअर वी और उसी के ऊपर एल लाइट्स हैं उसके कंट्रोल्स और साथ में आपको मिलेंगे सनरूफ के कंट्रोल्स ये तो लाइट के कंट्रोल्स हैं ये है सन के कंट्रोल्स और सन जो है वो भी काफ़ी वाइड ओपन हो जाती है काफ़ी फास्ट मूविंग भी है तो इस तरह का कुछ ओवरऑल डिज़ाइन है और इस तरह की सीट्स हमें मिल जाती हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इन सीट्स का भी और काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी सॉफ्ट भी हैं इस तरह की बैक सीट की डिज़ाइन है तो अब जरा बाहर चलते हैं और बात करते हैं इसके इंजन के बारे में कैसे इंजन हमें मिलता है और क्या परफॉर्मेंस देता है वो हमें तो इंजन की बात की जाए तो यहाँ हमें मिलेगा 1.5 पॉइंट फाइव इंजन जो कि पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो निकालता है 119 bhp की पावर और 145 फोर्टी मीटर का टॉक और ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है वो सी वी में है हमारे पास और इसके गेयर शिफ्टिंग का तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता बहुत ही स्मूथ इंजन है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये निकाल कर देता है और इसके मैनुअल वेरिएंट में तो अलग ही मज़ा आता है बहत्तर सौ आर तक इंजन रेव करता है गियर शिफ्ट करने से पहले और अगर इसकी माइलेज की बात की जाए तो कंपनी क्लेम करती है 18.4 पॉइंट फोर की माइलेज और काफ़ी सारे कस्टमर्स जो हैं 20 प्लस माइलेज भी अचीव कर रहे हैं और ये माइलेज जो है इसकी रेंज बना देती है सेवन थर्टी किलोमीटर्स की जो कि काफ़ी अच्छी है तो फटाफट चलते हैं गाड़ी के अंदर और उसे लेकर चलते हैं हाईवे पे और देखते हैं किस तरह की इंजन की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी हमें और साथ के साथ एड फीचर्स भी इसमें चेक कर लेंगे तो यहाँ पर गाड़ी हमने क्रूज़ कंट्रोल पर सेट कर दी है एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल पर और 74 की स्पीड जो है गाड़ी मेंटेन कर रही है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी हमने सेट कर रखा है जो आगे वाली गाड़ी से है और जैसे ही कोई गाड़ी इसके आगे आती है तो ये स्पीड जो है वो कम कर लेती है और गाड़ी के हटते ही दोबारा से सेवेंटी की स्पीड ये मैंटेन करने लग जाती है साथ के साथ लेन कीप असिस्ट भी इसका ऑन है और लेन भी अच्छे से मैंटेन की जा रही है और अगर मैं थोड़ी बहुत इधर उधर करता हूँ गाड़ी को तो वापस ये लेन के सेंटर में ले आती है और अगर मुझे लेन चेंज करनी है तो या तो मुझे इंडिकेटर देना पड़ेगा और या फिर मुझे थोड़ा जो, जोर से इसको स्टेरिंग को मोड़ना पड़ेगा तभी जाके ये मुझे लेन चेंज करने देगी जो कि काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है और अगर गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है होंडा का ट्राइड एंड टेस्टेड आई वीटेक पेट्रोल इंजन जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें निकाल के देता है काफ़ी रिलायबल इंजन है इश्यूज़ आने के चांसेस इसमें बहुत ही कम होते हैं कभी भी ऐसे कोई खास हमें इशू देखने को मिले नहीं है इस गाड़ी में और वही इंजन इसमें भी यूज़ किया जा रहा है तो परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी ही रहेगी और इस गाड़ी की सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है लॉन्ग ड्राइव्स पर आप कहीं भी निकल जाइए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है इसी वजह से आपकी जो है राइड क्वालिटी वो भी टॉप नॉच है वन ऑफ़ द बेस्ट मिल जाएगी आपको इस सेगमेंट में उस स्टेयरिंग की जो फीडबैक है वो भी बहुत अच्छी है इस गाड़ी में और काफ़ी अच्छा डिजाइन भी दिया गया है काफ़ी अच्छी ग्रिप भी बन जाती है इसकी स्टेयरिंग के ऊपर तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी मुझे कॉमेंट करके बताइए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखने के लिए